आगरा में बीजेपी के वर्तमान विधायक जगन प्रसाद गर्ग का हार्ट अटैक से आकस्मिक निधन हो गया है, जिससे बीजेपी में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बताया जा रहा है, विधायक जगन प्रसाद गर्ग भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आवास विकास कॉलोनी गए थे और लौटकर ऑफिस आए, जहां थोड़ी देर बाद अचानक विधायक जी के सीने में दर्द होने लगा। आनन फानन में विधायक को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद बीजेपी में मातम पसर गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निधन की सूचना मिलने पर वे आगरा लौटे और जगन प्रसाद गर्ग के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवारजनों को सांत्वना दी। आपको बता दें कि विधायक जगन प्रसाद गर्ग उत्तर विधानसभा सीट से 5वीं बार विधायक चुने गए थे। जगन प्रसाद गर्ग ने अपनी राजनीति जनसेवा के लिए समर्पित की थी। आवास विकास में चुनाव संबंध प्रचार करके कार्यकर्ताओं को प्रचार करके आए थे, 2 के लगभग, 2 सवा 2 के लगभग, और वहाँ से फिर हम अपने विधायक जी के ऑफिस में बैठ गए थे ये भोजन करने के लिए। बोले कि 5 बजे हम जाएंगे, निकलेंगे, तो करीब आधा घंटा हुआ होगा लगभग। ऊपर से उनके बेटे की, बड़े बेटे पुत्र वधु की ऊपर से आवाज़ आएगी, गौतम जी जल्दी आइए, पापा को कुछ हो गया है। तो तुरंत हम ऊपर भाग के गए हैं, ये गैर होश थे, और ऊपर से हम, उनका बेटा भी था, हम दोनों थे, इनको उठा करके गाड़ी में रखा है, गाड़ी से पुष्पांजलि हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जा कर के डॉक्टरों ने कोशिश की, देखा तो उन्होंने कहा कि इनकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है, कि आप इमरजेंसी ले जाए। फिर वहाँ से और संतुष्टि नहीं हुई तो वहाँ से सुबीर गुप्ता हैं मधुबन प्लाजा में, उनके यहाँ ले गए। वहाँ से लेकर उन्होंने भी कह दी कि भाई मुश्किल है, तो वहाँ से हम इमरजेंसी ले गए एस एन में। डॉक्टरों ने कोशिश की, देखा, चेकअप किया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये ख़त्म, एक्सपायर हो गया। आगरा के लिए बहुत बड़ी क्षति है और मैं समझता हूँ इसकी पूर्ति होना उसके लिए, यूँ तो सब कुछ होता है, लेकिन ये जो क्षति है, एक बहुत बड़ा योद्धा और बहुत बड़ा नेता आगरा में अब नहीं रहा, और ये स्पेस हो गया, एक खाली जगह हो गई, इसका भरना बहुत मुश्किल। अभी योगी जी भी आए थे? हाँ, योगी जी भी आए थे जलेश्वर की सभा करने के बाद ही आए थे। बड़ा दुखद एक समाचार, हृदयघात लोगों के लिए। साल 2017 के चुनाव में उन्होंने करीब 85,000 वोटों से जीत हासिल की थी। उन्होंने अपना दूध डेयरी और होटल का कारोबार बेटों को सौंप दिया था। जगन प्रसाद की मौत के बाद भाजपा और कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। उनके निधन के बाद समर्थकों की भारी भीड़ आवास पर पहुंच गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।